जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एग्जाम डेट निर्धारित हो चुकी है, आप सबको पता चल गया है। मैंने भी वीडियो बनाया था और आपको नहीं सीआरपीएफ की वेबसाइट पे इसका नोटिस भी देख लिया होगा। अभी जब से ये एग्जाम डेट आई है, मैंने वीडियो बनाया, उसके अंदर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर अभी जो हमारा एग्जाम अगर हो जाता है 31 मार्च को, तो एग्जाम के बाद में हमारी पूरी प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, क्या हमारे को जब इसे 2 साल से ऊपर का टाइम लग गया था कि आगे भी प्रोसेस होने में कितना समय लगेगा, ज्वाइनिंग कब तक आ जाएगी, आगे की कार्रवाई होने में कितना टाइम लगेगा, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को जो बेसब्री से इंतजार था एग्जाम डेट का, वो आपका क्लियर हो गया है। और आपके लिए खुशखबरी की बात यही है कि आपको एग्जाम डेट का जो समय मिला है वो काफी समय आपको मिल गया है, 1.5 महीने से ज्यादा आपको टाइम मिला, तो आपको तैयारी करने का एक अच्छा खासा टाइम मिल गया है। क्योंकि कभी कभी किसी किसी एग्जाम की अगर आप देखेंगे 10-12 दिन पहले एग्जाम डेट निर्धारित होती है, तो उसमें बच्चों जो तैयारी छोड़ चुके होते हैं उनको टाइम करने का, वो जो अपना तैयारी करने का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन आप लोगों के पास में बहुत सारा टाइम है तैयारी करने के लिए, अगर आपने तैयारी छोड़ दी होगी तो आप सभी एक बार तैयारी फिर से शुरू कर दें, क्योंकि कंपटीशन इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं है। अभी आपका जो एग्जाम था ऑफलाइन होने वाला था, वो सिस्टम बंद करके अभी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर कि आपका जैसे प्रोसेस ये हो जाती है 31 मार्च को अगर आपका एग्जाम डेट हो जाता है, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है सीआरपीएफ का, वो जारी हो चुका है कि जो फिक्स डेट आपकी ट्रेनिंग शुरू होनी है, जून मंथ में आपकी ट्रेनिंग शुरू होनी है। 2 ट्रेनिंग सेंटरों में आपकी वो ट्रेनिंग होगी, मैंने बताया था ग्वालियर के अंदर, जोधपुर के अंदर। तो ये मान के चलो कि 99% चांस यही है कि जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल दे रखा है जून मंथ से, उसी टाइम से आप लोगों की ट्रेनिंग होनी है। तो जो बच्चे अच्छी तैयारी करेंगे उनको ट्रेनिंग ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जो तैयारी नहीं करेंगे टाइम पास करेंगे सब सिलेक्शन होंगे नहीं। जो जिसकी अच्छी तैयारी होगी वो पहुंचेगा लास्ट तक पहुंचेगा, पूरी प्रोसेस करेगा, तभी उसको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका जो जैसे एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी आप अगर देख लेंगे तो पैरामेडिकल के अंदर जो फिजिकल पास के बच्चे लाखों की संख्या में है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे सभी ट्रेड की अगर आप करते हैं तो। लेकिन क्योंकि इसमें से सभी बच्चे अभी देखना एग्जाम के अंदर सभी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा जो लाखों की भीड़ है वो हजारों में हो जाएगी, कुछ हजारों में यानी कि छट जाएगा। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में बड़ी मुश्किल से 10 से 12 हजार बच्चे बचेंगे। अब उसके बाद में आपकी ट्रेड की टेस्ट और उसके बाद में आपका जो मेडिकल होना है, वो इतने जो ग्रुप सेंटर्स हैं, हर ग्रुप सेंटर के अंदर 1000-1200 बच्चे हिस्से नहीं आएंगे। तो बड़ी फास्ट कार्रवाई होने वाली है, अगर किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है तो आपकी जो प्रोसेस होगी बहुत जल्दी होने वाली है। और जहां तक संभावना है, पॉसिबिलिटी है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है तो जून मंथ से आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये मान के चले कि जो आपका समय लग चुका है, जो पीछे जो समय चला गया, जो ज्यादा समय आपसे ले लिया गया, आप परेशान हो चुके हैं, वो हो लिए हैं। जिन बच्चों की तैयारी है उनके लिए सुनहरा अवसर आने वाला है। आपके पास मात्र 3 से 4 महीने का टाइम आपके पास बचा है, आप सीआरपीएफ के मेंबर बनने वाले हैं। क्योंकि जून मंथ से आपकी अगर ट्रेनिंग हो जाएगी तो मान के चले कि मई लास्ट या जून फर्स्ट के अंदर आपकी ज्वाइनिंग सीआरपीएफ के अंदर हो जाएगी। तो आप इसी को आधार मानते हुए कि मुझे ज्वाइन करना है सीआरपीएफ में, क्योंकि वैकेंसी कम है, लोग ज्यादा है, तो आपको उचित प्रकार से तैयारी करने की, मुझे अपने को एक वैकेंसी, अपना एक पद पक्का करना है और सीआरपीएफ और भारत की सेवा में अपना योगदान देना है। तो आप अपनी तैयारी पे फोकस करें और आपकी जो प्रोसेस है जल्दी कंप्लीट होगी। जैसे आपका एग्जाम, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट आने में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था रिजल्ट आ जाएगा तो मैक्सिमम मान के चलो 15 गुना अगर बच्चे पास करते हैं तो 11,000-12,000 बच्चे आपके पास होंगे। उसके बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट मेडिकल में हर सेंटर के अंदर अगर बटेंगे तो 1,000-1,000 बच्चे इससे नहीं आएंगे। तो बहुत जल्दी कार्रवाई आपकी हो जाने वाली है। तो आपकी मैंने बता दिया है कि जून के अंदर आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल है, जून मंथ से आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, तो जून में ही आपका ज्वाइनिंग आने का पूरा पूरा संभावना है। तो ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। तो ये कमेंट जिस भाई का था उसका डाउट क्लियर हो गया। साथ ही मैंने आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन लाने के लिए कि आप अपने एग्जाम की तैयारी ठीक प्रकार से करें, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि 3-4 महीने का टाइम है। अगर आप सीआरपीएफ का सदस्य बनना चाहते हैं, विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल का एक पार्ट आप बनना चाहते हैं, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी पे फोकस कीजिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए ताकि आप सिलेक्शन पाले और अपनी एक वैकेंसी आप भर दे। वैकेंसी कम है, लोग बैठने वाले ज्यादा है, आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। अगर आपको एक वैकेंसी चाहिए तो उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चुके। जय।